हाय फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लिपिका अपडेट्स। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग बनाएंगे मशरूम केक की यम्मी रेसिपी, और इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है 200 ग्राम ऑफ मशरूम, एक मीडियम साइज अनियन, दो टमाटर, एक टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक टीस्पून वाटरमेलन सीड्स और टर्मरिक और चिली पाउडर। ये देखिए, हमने अपना सारा सामान ले लिया है। अब हम ग्राइंडर में दो बड़े टमाटर, मशरूम जो वाटरमेलन के सीड्स हैं जिसे हमने मगज भी बोलते हैं, धनिया और एक मिर्ची को पेस्ट कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब हम इसे एक छोटे बाउल में निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई में 2 टीस्पून तक तेल देंगे और उसमें हमने जो काट के जो अच्छे से मशरूम रखा हुआ है, काट के धोके उसे हमें फ्राई कर लेना है। जब आप मशरूम फ्राई करें तो इसे हाई फ्लेम में फ्राई करें, क्योंकि मशरूम बहुत ज्यादा पानी छोड़ता है। इसे हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज में हम थोड़ा सा नमक देंगे इसमें। अब देख सकते हैं इस मशरूम कैसे पानी छोड़ रहा है। अब हमारा मशरूम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें निकाल लेंगे। अब उसी सेम कढ़ाई में हम 3 टेबलस्पून तक ऑयल देंगे। एक तेज पत्ता, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, पिंच ऑफ जीरा, अब मसाले में चटक आ चुका है तब हम अपना अनियन डालेंगे। ये हमने डाल दिया अनियन, जो कि एक मीडियम साइज अनियन है जिसे हमने चॉप कर लिया है। अब हम इस प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हमें 3 से 4 मिनट तक भूनना है ताकि ये अच्छे से पक जाए और थोड़ा गोल्डन ब्राउन इन कलर हो जाए। अब हमारा प्याज हो गया है। अब हम इस स्टेज पे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। ये हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट को डाल दिया है। इसको अच्छे से हम प्याज के साथ मिला के भून लेंगे। जब आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भून रहे हैं तब ध्यान रहे, क्योंकि ये नीचे थोड़ा लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम इसमें पेस्ट देंगे तो वापस ये ठीक हो जाएगा। अब हमने ये टमाटर और वाटरमेलन सीड का जो पेस्ट था उसे डाल दिया। अब इसे अच्छे से पका लेना है, जब तक कि ये मसाला जो है तेल ना छोड़ दे, तब तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। हल्दी के बाद 1 टीस्पून मिर्च डालेंगे। मिर्च कंप्लीटली आपके स्वाद के अनुसार है कि आपको कितना तीखा खाना पसंद है, उस हिसाब से डाल सकते हैं। सारे मसालों को अच्छे से भून लें। देख सकते हैं हमारा ग्रेवी कितना अच्छे से तैयार हो गया है।
इसे और थोड़ी देर तक पकाना है ताकि मसाला जब तेल छोड़ दे तब हमें पता चलेगा कि ये कम्प्लीटली पक गया है। इसे ऐसे 2 से 3 मिनट तक पकाते रहिए। अब हम इस स्टेज पर मशरूम को डाल देंगे और मशरूम को भी अच्छे से मसाले के साथ कोट कर लेंगे। मशरूम को हमने ऑलरेडी फ्राई कर लिया है तो इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखिए हमारा मशरूम अच्छे से मसाले के साथ कोट हो गया है। अब इस स्टेज में हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जिस बाउल में हमने जो टमाटर का पेस्ट रखा था सिर्फ उसे हमने धो के डाल दिया है। इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये ज्यादा मतलब सूखा सूखा ग्रेवी चाहिए, ज्यादा ग्रेवी हमें इसमें नहीं चाहिए। अब इसे आप छोड़ दें 4 से 5 मिनट तक ऐसे कुक होने के लिए। लास्ट में हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं। अब देख सकते हैं हमारा जो करी है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इस स्टेज में इसे धनिया पत्ता के साथ गार्निश कर लें। दिख रहा है ना बहुत ज्यादा यम्मी। ये बहुत ही सिंपल और यम्मी रेसिपी है। अपने घर पे आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड।